अगली खबर धमतरी जिले से है, जहां अर्जुनी थाना पुलिस ने गांजा तस्करी कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से 1,64,000 कीमत का गांजा भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि अर्जुनी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये दो युवक स्कूटी से गांजा तस्करी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने नगरी रोड ग्राम भोयना में नाकाबंदी कर स्कूटी में आ रहे दो युवक को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने दोनों युवक के कब्जे से करीब 16 किलो गांजा बरामद किया है। इसी दौरान पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी दीपक कुमार और अर्जुन लाल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो कि उड़ीसा से गांजा खरीद कर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। सूचना मिली थी मुखबिर के माध्यम से कि उड़ीसा नगरी की ओर से दो व्यक्ति स्कूटी वाहन में गांजा का परिवहन कर रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर टीम भेजकर मौके पर नाकाबंदी कर उक्त वाहन को जो है रोका गया और वाहन की तलाशी लेने के पश्चात उस वाहन में 16 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला है, जिसकी कुल कीमत 1,64,000 रुपये है। दोनों व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जो अपना नाम अर्जुन तथा दीपक बताए। दोनों निवासी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों आरोपी के विरुद्ध 20B NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।